बहुत सारे लोग बैठे। अरे दर्शन कैसे हुए? हर महादेव, हर हर महादेव। भैया बताओ कहाँ से आए हो आप? बताओ ना आप। यूपी? यूपी में कहाँ से? भदोही से। अरे वाह, प्रयागराज से। और सो गाइस, ऑलमोस्ट सवा घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शक्तिपीठ माँ गढ़काली मंदिर उज्जैन। गाइस अभी हम पहुंच रहे हैं काल भैरव मंदिर, जो कि बहुत मेन मंदिर है। अगर आप उज्जैन में आते हो, माँ कालेश्वर मंदिर में आते हो, तो आपको भाई काल भैरव मंदिर भी जाना पड़ेगा। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। फिलहाल अभी हम चाय पी रहे हैं और फिर हम आपको लेके चलने वाले हैं घुमाने के लिए। उज्जैन में जो 5-7 जगह हैं वहाँ पर घुमाने ले जा रहे हैं। काल भैरव मंदिर भी ले जा रहे हैं दर्शन कराने, और सबको लेके जा रहे हैं बैक साइड में। तो चाय पीते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। शिप्रा नदी देख लो भाई, जिसको नहाना है। हाँ, दो ही तरफ है ये। वहाँ पे नहाया था अपन। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शक्तिपीठ माँ गढ़काली मंदिर उज्जैन। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये हमारी पहली लोकेशन होने वाली है। भाई यहाँ पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो गई, बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब हो गई। 3:47 हो रहा है, टाइम देख रहे हो कितना हो गया। सो गाइस अभी हम अंदर आ गए हैं, देख लो माता रानी के मंदिर में, और यहाँ पर इस तरह का क्राउड आता है। सो गाइस यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अब दूसरी जगह, ठीक है? कुछ इस तरह से बैग वैग लटका के कुछ इस तरह से जा रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, उल्टी करके आ रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठीक है? इसलिए हम अंदर नहीं गए दर्शन करने, बट कोई ना, अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप अकेले आते हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा चार्जेस लग सकते हैं, तो कोशिश करना 5-7 में रूप में आना। रूप में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहेगा कि लाइक एक गाड़ी कर लेना और 5-7 जो लोकेशन है वहाँ घूम लेना। आप 5-7 लोकेशन घूम रहे हैं जो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? इस तरीके से जा रहे हैं गाइस, देखो भाई इस तरह का मौसम है यहाँ पे। इधर मक्का हो रही है, हाँ इधर वैसे जा रहे हैं, देख लो गाइस ऐसा कुछ सीन हो रहा है। इस तरह से हम मतलब जर्नी कर रहे हैं कि आए है, यही तो मजे हैं, देख लो पूरी गाड़ी फुल हो गई। क्या टैटू लगा बनवा रखा है हाथ पे। सही है सही है, चलो इधर देखो गाइस, शिप्रा नदी, ये शिप्रा नदी पूरे मतलब अगर आप उज्जैन में देखोगे तो भाई बार बार क्रॉस करोगे इस नदी को। देखो वो ब्रिज है, पुल है, एक पुल ये है जिससे हम अभी आए हैं, ठीक है? और उस साइड में और पुल होंगे, ऐसा कुछ सीन है। बैक साइड का ही सीन दिखेगा आपको, क्योंकि फ्रंट में तो सारे लोग बैठे हुए हैं, ये देखो। तो गाइस अभी हम पहुंच रहे हैं काल भैरव मंदिर, जो कि बहुत मेन मंदिर है। अगर आप उज्जैन में आते हो, माँ कालेश्वर मंदिर में आते हो, तो आपको भाई काल भैरव मंदिर भी जाना पड़ेगा, मतलब ज़रूरी है। वहाँ नहीं जाओगे तो दर्शन अधूरे माने जाएंगे, तो इसलिए हम भी जा रहे हैं। तो चलो आपको लेके चलते हैं। इधर देखो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं, यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। उस साइड में काल भैरव मंदिर है आई थिंक, और इस साइड में देखो पार्किंग वार्किंग है, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ लगने वाली हैं। इधर देखो कुछ ऐसा सीन है। ओए होए, लगता है हम पहुँच गए। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और मंदिर में पहुँचते हैं, दर्शन कराते हैं आपको, ठीक है? भाई काल भैरव मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर जहाँ पर प्रसाद के रूप में शराब चढ़ती है। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, भारत में अलग अलग तरह के मंदिर हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह का प्रसाद चढ़ता है, और प्रसाद वही चढ़ता है जो भगवान को पसंद होता है। सवरिया सेठ में डोडा चूरा चढ़ता है, अफीम चढ़ता है, यहाँ पर दारू चढ़ती है, बस ऐसे ही कुछ है काल भैरव जी की लीला। तो चलो आपको दिखाते हैं, टाइम हो रहा है 4:18। इधर देखो भाई, इधर आराम से खुलेआम मिलती भी है, क्योंकि चढ़ती है इसलिए मिलती है। यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, इस साइड में मंदिर है, इधर मंदिर है, तो हम इस वाले डायरेक्शन से होते हुए जा रहे हैं। सो गाइस इधर देखो, शिप्रा नदी, काल भैरव मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस साइड में काल भैरव मंदिर है, और इस साइड में शिप्रा नदी बह रही है, और यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है दर्शन में। ऑलमोस्ट सुना है 3 घंटे लगेंगे, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लाइनें तो बहुत बड़ी है यार, और घूम फिर के हमें वहाँ पर जाना है उस डायरेक्शन में।
सो गाइस ऑलमोस्ट सवा घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने। सवा घंटे हो चुके हैं हमें यहाँ पर, मतलब लाइनों में लगे हुए, अभी भी मतलब दर्शन नहीं हुए। अभी आधा घंटा या पौन घंटा और लगेगा, 2 घंटे पूरे पूरे लगेंगे दर्शन करने में यहाँ पर। चलो दर्शन करते हैं और फिर बाहर मिलते हैं, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। भोलेनाथ की जय। काल भैरव मंदिर पहुंच गए हम। गाइस देख लो आगे सामने कितना क्राउड है और कितनी देर में दर्शन हो रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि लाइक एक एक करके दर्शन हो रहे हैं, सब भक्तों को अच्छे दर्शन मिल रहे हैं। भैया बताओ कहाँ से आए हो आप, बताओ ना आप। यूपी, यूपी में कहाँ से? भदोही से। अरे वाह, प्रयागराज से। और हम कानपुर से। अरे भाई, कानपुर से। अरे परिवार मिल रहा है आपका। कानपुर से कल्याणपुर। अरे वाह, पहुंच गए, बस थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, बस पहुंच गए। सो गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो गए। टाइम लगा, काफी ज्यादा टाइम लगा, बट दर्शन बहुत अच्छे हो गए हमारे। काफ़ी देर तक मतलब वहाँ पर रुके, उसके बाद में दर्शन किए आराम से। अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं, सबका वेट कर रहे हैं, उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे अब दूसरी जगह दर्शन करने। मैं आपको बताऊँ, उज्जैन में जो महाकाल जी का मंदिर है वहाँ से ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा आपको दर्शन करने में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सारे लोग बैठे। अरे दर्शन कैसे हुए? सारे लोग थक गए, देखो टाइम कितना हो गया। हाँ क्या हुआ, फोटो? सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मंगलनाथ मंदिर काल भैरव जी से। फिर अब हम यहाँ पर आए हैं मंगलनाथ मंदिर, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इसके बैक साइड में शिप्रा नदी है। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं ना, वो सारे शिप्रा नदी के किनारे तट पर ही बने हुए हैं, ऐसा समझ लो। सारों की स्थापना शिप्रा नदी के तट पर ही है। बैक साइड में शिप्रा नदी बह रही है, घाट भी उस साइड में, और इधर मंदिर है। चलो, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है यार, बार बार बैगे नीचे ऊपर ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। ये देखो हमने ये गाड़ी की है पूरी। गाइस मंगलनाथ मंदिर देखो कुछ इस तरह से है। लड्डू प्रसाद काउंटर में मिलते हैं, भीड़ कम है यहाँ पर, जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो गाइस ये मंदिर ऊपर है, देखो फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर बना हुआ है, तो हमें इस साइड में जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, लाइन में लगने के लिए। इधर सारे लोग आएंगे, देखो इधर 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 दर्शन प्रवेश, दोनों तरफ से जा सकते हैं। देखो गाइस इस साइड में शिप्रा नदी और इस साइड में ये मंदिर, जहाँ भी जाओगे आपको शिप्रा नदी साथ साथ में मिलेगी। देखो सब लोग आ रहे हैं, देखो अब आ रहे हैं सारे। देखो अब लो, अब चलते हैं दर्शन करने इधर। सो गाइस यहाँ भी दर्शन कर लिए, अब आई थिंक 2 मंदिर और रह गए हैं, वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगे हम। मतलब दर्शन कर रहे हैं और मैंने सोचा था कि इस व्लॉग में सारी चीज़ें कवर करूं, जितने भी एक दिन में हम घूम सकते हैं, जितने भी मंदिर कवर कर सकते हैं वो सारे कवर करूं। तो बस कवर कर रहे हैं, और कैसे कवर कर रहे हैं, एक गाड़ी बुक कर ली है उसके थ्रू। देखो बारिश में दर्शन हो रहे हैं। बारिश हो रही है और इधर सब दर्शन कर रहे हैं, और लास्ट मंदिर हमने कम्प्लीट कर लिया, अभी हम जा रहे हैं वापस। अभी हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने में, देख लो यहाँ सारे लोग लाइन से बैठ चुके हैं पंगत में खाना खाने के लिए। कुछ ऐसा सीन है। इधर मैं हूँ भाई, और ये है अपनी 170 वाली थाली जो कि अभी लग रही है।